हे गाइस, नमस्ते, कैम छो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडीपी व्लॉग्स। तो ये वीडियो कंटिन्यू आपने जो क्लासिक 350 का देखा था वही है। ये हम उसका आज टेस्ट राइड ले रहे हैं, तो कैसा व्हीकल है वो हमें टेस्ट राइड करते करते अपने बात करते हैं, तो वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए अभी फटाफट से इसका टेस्ट राइड लेंगे, तो कैसा रहता है व्हीकल। यहाँ पे तो थोड़ा ट्रैफिक है। वाह, स्टार्टिंग तो काफ़ी अच्छी रही है। ये अहमदाबाद का ट्रैफिक तो आप लोगों को पता ही होगा। तो क्लच वगैरह काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ हो गया है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये हमारा मॉडिफाई बाइक है, तो यहाँ पे हमने विंडशील्ड डलवाया हुआ है और जो ये मिरर देख रहे हो वो भी हमने आफ्टर, मतलब कि जो स्टैंडर्ड में आते हैं वो नहीं है, ये टूरिंग मिरर बोलते हैं इसको। तो ये भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब मुझे तो छोटे लग रहे हैं। और बाइक में थंब वगैरह तो काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी स्मूथ है। जो मैंने मीटियोर चलाया था उसी तरह का है। इंजन बहुत ही रिफाइन हो गया है इसका, और जो सीट के नीचे जो स्प्रिंग, मतलब कि एक सस्पेंशन जैसा आप बोल सकते हो, वो अभी इसमें से निकाल दिया है, तो काफ़ी कंफर्टेबली मुझे मेरे पैर नीचे ज़मीन को टच कर रहे हैं। और ये आप फुटपैक देख रहे हो वो भी आफ्टर मार्केट से, मतलब कि जो स्टैंडर्ड में आता है वो नहीं है, अलग है। बाकी बाइक काफ़ी अच्छा है, और ये ग्रीन कलर का बाइक ये, और सिटी से अच्छा थोड़ा हाईवे पे मुझे ट्राई मिलेगा, तब मैं थोड़ा उसको चलाऊंगा। बाकी वाइब्रेशन अभी ज़रा सा भी मुझे फील नहीं हो रहा है, काफ़ी अच्छा है। हॉर्न वगैरह काफ़ी अच्छा, तो कंट्रोलिंग भी काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। नहीं, यहाँ पे सिग्नल और हमको खड़ा रहना पड़ेगा। वैसे तो हमारे बाइक में नंबर प्लेट नहीं है, हम निकल जाते, लेकिन सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए, ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करना चाहिए, वो हमारे लिए ही होते हैं। थोड़ा बाइक को बंद कर देते हैं। ओके, तो अभी तक तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है राइड करके। जो वाइब्रेशन है 350 या 500 क्लासिक में, जो ओल्ड मॉडल थे उसमें काफ़ी ज़्यादा रहते थे, तो इसमें ये बिल्कुल भी नहीं है। तो राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो गई है इस बाइक की, सिटिंग कंफर्ट काफ़ी अच्छी है, सीट्स वगैरह काफ़ी अच्छी है इसमें, और हैंडल बार मुझे थोड़ा कम लग रहा है, शॉर्ट लग रहा है। उसमें ऐसा बड़ा हैंडल बार आता था जो पुराने क्लासिक थे उसमें। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको फ्यूल नोटिफिकेशन भी अभी देखने को मिलेगी क्लासिक में। वू, तो अभी क्लासिक वाले लोग वैसे जहाँ पेट्रोल ख़त्म हो जाता था तो वहीं घूमते थे, वैसा नहीं होगा अभी इसमें। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा फ्यूल नोटिफिकेशन, और यहीं से आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर टाइम दिखा रहा है, और यहाँ पर ट्रिप 1, ट्रिप 2, तो अभी चलने का टाइम हो गया है, बाइक हमने चालू कर दी है। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में काफ़ी अच्छा चेंज यहाँ पे, तो बाइक काफ़ी अच्छी तरीके से चलती हुई। वाव, और अभी मैं 70 पे था तब वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं था इस बाइक में, तो आप समझ सकते हो कि काफ़ी खूबसूरत रहेगा। और यहाँ पे एक बुलेट वाले भाई एक हाथ से बुलेट चला रहे हैं, हाउ इट्स पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है। और यहाँ पे कॉर्नरिंग में थोड़ा मुझे डर जैसा लगा, क्योंकि
नई बाइक है तो, और यहाँ पे 80 तक मैं जा रहा हूँ, वाइब्रेशन थोड़ा मुझे फुटपैक पे महसूस हो रहा है, बाकी कहीं पर भी वाइब्रेशन नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। क्लासिक में वाइब्रेशन ना मिलना, वाह काफ़ी अच्छी बात है ये। और यहाँ से चलते हुए अभी काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे ये बाइक चलाने में, क्योंकि एक्सेलरेशन पिकअप काफ़ी अच्छी मिल रही है अभी। और जो ये लीवर्स है जो ब्रेक के और क्लच का, उसका क्वालिटी तो अच्छा हुआ ही है, लेकिन साथ में जो इसका वाइड डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। और आप मौसम देख सकते हो कितना सुहाना हो रहा है, तो ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी इम्प्रूव हुई है, क्योंकि इसमें डिस्क है आगे का और पीछे का, उसका साइज बढ़ा दिया है, इससे आपको ब्रेक काफ़ी अच्छी मिलेगी। जो इंटरसेप्टर और हिमालयन में जो आती थी डिस्क, वो इसमें लगा दी है क्लासिक में, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो 2,16,000 इसका स्टार्टिंग मॉडल का ऑन रोड प्राइस अहमदाबाद का है, और 2,50,000 तक का रहेगा, जो आप कलर वेरिएंट सिलेक्ट करते हो उस पर है पूरा ये। काफ़ी अच्छा, अभी यहाँ से हम मुड़ जाएंगे यू टर्न, तो ऐसे हाईवे पे तो चलाना नहीं मिला है, तो 100 के ऊपर हमने चलाते, लेकिन यहाँ पर मैं 80 तक चलाया है, तो काफ़ी अच्छा रहा है। ये बाइक ड्यूल चैनल ABS के साथ है, तो आपको इसमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं, सिंगल चैनल ABS का और ड्यूल चैनल ABS का, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, आपको दोनों ऑप्शन में ले सकते हो। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप सिंगल चैनल ABS में जा सकते हो, और या तो फिर डबल चैनल। ओ ये देखिए 150 सेकंड यहाँ पर खड़ा रहना है, चलिए कोई बात नहीं, बाइक को बंद कर देते हैं, कैमरा चालू रखते हैं क्योंकि आपके साथ बातें करेंगे। तो कैसा लग रहा है मुझे ये बाइक, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है। तो जो क्लासिक वाले लवर है उनको ओल्ड स्कूल वाला लुक भी मिल जाएगा, और साथ में भर भर के फीचर्स भी मिल जाएंगे। सबसे बड़ा फीचर्स यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में डिजिटली पूरा थोड़ा डिजिटली थोड़ा एनालॉग किया हुआ है, और यहाँ पे जो ये रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे आप ट्रिपल नेविगेशन भी लगवा सकते हो। 5,500 का कुछ इसका कॉस्ट है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और साथ में क्वालिटी आप देख रहे हो, जो स्विचेस है उसकी काफ़ी अच्छी हो गई है, जो मिटियोर में था वही है पूरा ये हैंडल बार। तो और अगर मैं टायर्स की बात करूँ, तो जो पीछे का टायर है उसको 10 mm बढ़ा दिया है, तो चौड़ा कर दिया है 10 mm, तो वो भी काफ़ी अच्छी है, आपको रोड्स वगैरह पे ग्रिप काफ़ी अच्छी मिलेगी। और फिनिशिंग में भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा है। मेरे पास क्लासिक 500 है, लेकिन उसमें वाइब्रेशन तो बाप रे भर भर के है, बारिश गिरने वाली है, अच्छे से फटाफट से ये सिग्नल ओपन हो जाए तो मैं फटाफट शोरूम पहुंच जाऊं। काफ़ी अच्छा है सिटी राइड के लिए, तो काफ़ी परफेक्ट है। अभी लॉन्ग राइड में भी मैं एक बार चलाऊंगा, उसको बाद में आपको इसका परफेक्ट लॉन्ग राइड के लिए भी है कि नहीं है, ऐसा होगा ही, लेकिन तो भी मैं आपको बताऊँगा। कैमरा चालू है, देख लेते हैं। ओके चालू है, थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाते हैं, मैं थोड़ा भीग रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा बारिश कम रहेगा। ऐसे 10, 9, 8, 7 पे तो लोग ऐसा करते हैं जैसे अभी जाके निकल जाए, सबको जल्दी रहती है भाई, हमको भी है, और लेकिन खुले तब निकलो तो। और यहाँ पे थोड़ा ये टर्निंग में लेता हुआ, लेकिन तो रोड थोड़े गीले हो गए, तो मुझे थोड़ा अभी डर लग रहा है, क्योंकि ये नई ही बाइक है। और यहाँ पे हमने इसको खींचा 80, ओ वाव, वाइब्रेशन नहीं है इसमें, आप ना के बराबर ही बोल सकते हो, लेकिन नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते हो, है लेकिन बहुत ही माइनर है, उतना आप चला सकते हो। और काफ़ी अच्छा जा रहा था, लेकिन एक और सिग्नल आ गया, एज यूजुअल आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा।
अच्छा स्मूथ जा रहा है अभी। कंफर्टेबल बाइक है और क्लच जो है वो काफ़ी अच्छा स्मूथ हो गया है, तो जो हाथ दर्द होता था वो अभी नहीं होगा आपका। और ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो फुटपैक नहीं है इसमें, मॉडिफाई करके लगाए हुए हमने थोड़े चौड़े फुटपैक है, तो ये परफेक्ट है फुटपैक, काफ़ी अच्छी तरीके से मैं अपना पाँव रख सकता हूँ इसमें, तो काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है मुझे ये। तो ABS होना तो बहुत ही ज़रूरी है, आप समझ सकते हो कि जो रोड्स होते हैं वेट सरफेस होती है उसमें ही ज़्यादातर एक्सीडेंट के चांस रहते हैं। तो हम थोड़ा खींचते हैं कि इधर तक जाता है बाइक, तो यहाँ पे 80 तो पहुँच चुके हैं हम। और यहाँ पे 100, और ये बाइक में क्या पता नहीं क्या हो रहा है, थोड़ा मिस फायरिंग हो रहा है शायद, और शायद पता नहीं ये क्या होगा, शायद पेट्रोल में प्रॉब्लम होगा या फिर कोई और प्रॉब्लम होगा। काफ़ी कंफर्टेबल राइड रहा है मेरा, ये कट्स वगैरह लेने में ज़रा सा भी दिक्कत नहीं आ रहा है मुझे, परफेक्ट बाइक है ये। वैसे सिटी राइड के लिए तो बहुत ही अच्छा है, और थोड़ा ऑफ रोडिंग हो जाए यहाँ पे। क्योंकि इनके शोरूम यहाँ पर है इसलिए मैंने ऑफ रोडिंग किया, वैसे तो मैं नहीं करता ऑफ रोडिंग। काफ़ी अच्छा रहा राइड हमारा, और मैं ये गियर में रखता हूँ और साइड स्टैंड डाउन करता हूँ तो बाइक अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये सेफ्टी फीचर्स तो बहुत पहले से आ चुका है, उसमें एग्जॉस्ट कौन सा था, तो ये हमारा नॉर्मल एग्जॉस्ट ही है, तो काफ़ी अच्छा साउंड वगैरह आ रहा था, तो बदलने की ज़रूरत नहीं है, परफेक्ट बाइक है ये। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाएगा। और आपको बाइक का टेस्ट राइड वगैरह लेना है तो आप नेहरू नगर सारा भाई मोटर्स आ सकते हो, यहाँ पे आप परफेक्ट बाइक है, परफेक्ट। पीछे से तो लुक मुझे मिटियोर जैसा ही लगता है, ये पूरा जो मडगार्ड है और साथ में ये टेल लैम्प्स पूरा मिटियोर का ही रखा हुआ है, तो ऐसे बोल सकते हो कि पुराने वाले को नए कपड़े पहना दिए। वैसा नहीं है, काफ़ी सारे चेंजेस है, तो देखते रहिए। तो कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आप बाइक परचेस करना चाहते हो तो यहाँ पे नेहरू नगर सारा भाई आ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है आपको पता है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। तो देखते रहिए ADP ब्लॉग्स। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, सबका।